हेलो दोस्तों, आज है 27 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, विश्व की प्रसिद्ध टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले 25 वर्षों में ऐसे लोगों को सेवा दे रहा है। ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च विंडोज 95 के साथ किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 में बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉकी इन्वाइटर सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर ए, एटीएन ग्लिचिच। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा हॉकी इन्वाइटर सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों, संगठनों और टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 143 खेलो इंडिया केंद्र। देखिए, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन केंद्रों में एक एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, दूसरी बार। देखिए, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में FIAH के 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोटों से हरा दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में की संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर ए, केन्या। देखिए, अफ्रीकी देश केन्या की संसद ने हाल ही में 61 वर्षीय जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की न्यायिक समिति ने चयन के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था कुम का चुना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, रोमानिया। देखिए, यूरोपीय देश रोमानिया ने हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए। यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुलु सियुक पर मनाया गया। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कोरियाई देशों के बीच प्रतिबद्धताओं पर आधारित संवादों पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षों की कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं?
इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी इजराइल। देखिए भारत और इजराइल की सरकारों के ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य शुद्ध आय में वृद्धि करना और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।